हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। पार्ट नंबर 22 हम करेंगे भीतरी समृद्धि, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। अब ये जो निबंध है भीतरी समृद्धि, इसमें क्या बताया गया है? इस निबंध में कहा गया है कि चाहे जितना धन कमाओ, चाहे जितने ऊंचे ऊंचे महल बना लो, आपकी ज़िंदगी कितनी भी ऐशो आराम भरी क्यों ना हो, कितने भी बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें आपके पास क्यों ना हो, जब तक आपको भीतरी शांति नहीं मिलती, तब तक आपका जीवन जो है वो वेस्ट है, वो व्यर्थ माना जाएगा। यानी कि कहने का भाव यहाँ पर कि सुख सुविधाएं जो हैं, यानी कि पैसा जो है, वो हमें चैन शांति नहीं दिलवा सकता। अगर हमें सुख शांति चाहिए तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अच्छे आचरण की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इस निबंध के अंदर जो लेखक हैं वो हमें क्या देते हैं। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। अब यहाँ पर द्रव्य भक्ति का मतलब कहा जा रहा है मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, यानी कि जब हम द्रव्य भक्ति यानी कि चीज़ों की पूजा करने लगते हैं, जैसे कि पैसे की पूजा करने लगते हैं, अपने ऐशोराम की जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, यानी कि उनका महत्व बढ़ जाता है, तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकूरानी होती है। जब तृष्णाएँ बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। यानी कि जो कृत्रिम चाव, यानी कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो कि सच नहीं है, जैसे कि गाड़ी बंगला, यानी कि पैसा कमाने के लिए आदमी जब बहुत ज़्यादा अमीर बनने की जो चाव रखता है, तब उसके अंदर की अमीरी की सुगंध जो होती है, यानी कि अंदर से वो गरीब हो जाता है। और तृष्णा यानी कि दूसरों से घृणा करना, दूसरों को अपने से तुच्छ समझना, दूसरों के साथ कंपटीशन करने की भावना जो है, वो तो एक ऐसी डाकूरानी बताया गया उसे, जो कि मनुष्य की नेकी को, मनुष्य की ईमानदारी को तो समाप्त कर देती है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। या इट्स करेक्ट कि जीना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पवित्रता पूर्वक यानी कि एकदम अच्छे तरीके से जीना, पवित्र होकर जीना मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। अब देखिए, धन की बात की जाए तो धन हमारे लिए सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत है। यानी कि जादूगर भी है सुख का और शांति का डकैत, इससे हमारी शांति चली जाती है, शांति को चुरा लेते हैं, जो धन है हमारी शांति को ले लेता है। अभी तक किसी भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया, अभी तक किसी भी दर्जी ने ऐसा अंगरखा नहीं सिला है जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले। यानी कि ऐसी कोई आजकल चीज ही नहीं बनी है, कोई ऐसा वस्त्र नहीं बना है जिसे पहनकर हम तृष्णा से मुक्ति पा सकें। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ। उसकी मुट्ठी खोलने में काफी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति के अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था। अब आपको बताया जाए पोम्पी नगर क्या है। पोम्पी एक शहर है जो कि आई थिंक ग्रीस के अंदर है, और वहाँ पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उस ज्वालामुखी का नाम था वेजुवियस। जब वो ज्वालामुखी फटा तो उसके फटने से जो शहर था ये पूरे तरीके से उस ज्वालामुखी के प्रकोप से नष्ट हो गया था। पूरे तरीके से यहाँ के जो लोग थे वो ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावे और गर्म राख के कारण जल भुन गए थे। तो जब वो लोग भाग रहे थे यानी कि अपनी जान बचाने के लिए, उस समय उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली, इसका एग्जांपल हमें यहाँ पर दो उदाहरणों से मिलता है। एक व्यक्ति जिसकी मुट्ठी से सोना पकड़ा हुआ था, जिसने यानी कि उसकी अंतिम समय में भी उसका जो प्रलोभन था, यानी कि उसका जो लालच था, उसका जो लगाव था, वो सोने से था। दूसरे व्यक्ति ने जो अपनी तकिए के नीचे थैली, यानी कि सिक्कों की थैली थी, यानी कि उसका प्यार भी पैसों के साथ था। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी, आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़ियाँ गहनों से लदी फदी रहती हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से कटाक्ष किया है लेखक ने, मानव चिड़ियाँ, यानी कि पहले भारत जो है, वो गाना सुना है ना आपने, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो यहाँ पर डाल डाल पर सोने की चिड़ियाएँ रहती थी, लेकिन अब जो है अमीर घरों की समस्याओं को दर्शाते हुए गहनों से लदी हुई चिड़ियाँ। याद आया कोई सीरियल आपको? नहीं याद आया तो शाम को देखिएगा, मम्मी जो सीरियल देख रही हो, या आप लोग कोई सीरियल अगर देखते हैं तो देखिएगा, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे अमीरों के घरों के,
उसमें जो लदे फदे गहनों से लदी हुई औरतें होंगी और वही एक्चुअल में समस्या का कारण होती हैं घरों में। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर लेखक ने कि वो स्त्रियां जो हम टीवी के अंदर, खासकर आपने देखा होगा, बहुत बड़ी सी बिंदी लगाकर बहुत सारी औरतें जो हैं पूरी बन ठुनकर महंगी महंगी साड़ियां पहनकर अपने आप को बहुत ज्यादा एक प्रतिष्ठित परिवार की स्त्रियां बताते हुए घूमती जो हैं, वो संस्कार तो उनके अंदर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते। वो करती क्या है, इन सीरियल्स के अंदर होता क्या है, आप लोग बेहतर जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन सीरियल्स के अंदर षड्यंत्र किस तरह रचे जाते हैं, किस तरह से घर की शांति को भंग किया जाए, यही सिखाया जाता है और यही चीज हम देखना पसंद करते हैं। और पहले जो हमारा मूल मंत्र होता था देश का, भारतीयता का, वो क्या था कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति की, त्याग करने में आनंद मिलता था। लेकिन अब हमारा ये उल्टा हो गया है, हमारी सीरियल्स में बताया जाता है भोगने के बाद फेंक देना, यानी कि यूज करो और फिर फेंक दो, बात खत्म होगी। तो ये हमारा मूल मंत्र हो गया। तो ये चीज़ हमें इन सीरियल से, इन धारावाहिकों से सीखने को मिलता है। और बड़े चाव से ये जो सीरियल्स हैं ये बहुत सुपर डुपर हिट चलते हैं, क्योंकि यही हमारे लोगों की मानसिकता आजकल हो गई है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई हैं। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। अब हमारी प्रवृत्ति यानी कि हमारी इच्छाओं के बारे में बात की कि अमीर क्या कर रहा है, उसे और अमीर बनना है। गरीब जो है उसे तन ढकने के लिए यानी कि उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रुपया कमाना है, लेकिन अमीर को तो और ज्यादा पैसा कमाना है। गरीब खून पसीने से पैसा कमा रहा है और अमीर जो है वो गरीबों को, आम लोगों को उल्लू बनाकर पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर गरीब लोगों के गहने की बात यहाँ पर कवि ने की है, वो है स्वाभिमान। अगर गरीब लोग अपने स्वाभिमान को संभाल लें तो समझ लीजिए वो अपने गहनों को संभाल चुके हैं। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है, वह कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है, अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगर वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सब को अपने साथ घर ले जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर ये सब हैं वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उसे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र और महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। अब यहां पर जो लेखक ने एक हमारे किसी और लेखक की जो बात यहाँ पर हमारे सामने पेश की है, इसमें बताया गया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उल्लास यानी कि एंजॉयमेंट जो है वही एक हमारा धन है। बड़ी सुंदरता से लेखक ने लिखा है कि हम क्यों इकट्ठा करें चीजों को, जब हम ये पूरी पृथ्वी तो मेरी है, तो मैं पृथ्वी के थोड़े से भाग के लिए क्यों मरता रहूं कि मुझे थोड़ी सी जमीन चाहिए, थोड़ा सा मुझे 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ जमीन कमाने के लिए मैं जिंदगी भर अपना जो सुख चैन है उसको खो दूं, जबकि ये पूरी पृथ्वी किसकी है, ये हमारी है ना पूरी पृथ्वी। और अगर हम कहें कि ये तुम्हारी है, मेरी है, वैसे तो ये किसी की भी नहीं है, सब लोग इस धरती पे एक तरह से गेस्ट हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम क्यों थोड़े से धरती के टुकड़े के लिए अपने पूरे जीवन का सुख जो है वो न्यौछावर कर दें, ये पूरा जो ग्रह है ये हम सबकी संपत्ति है, तो हम दूसरों को देखकर क्यों ईर्ष्या करें? अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो हमें क्या लेना देना, हमारे पास तो ये पूरी पृथ्वी है, और अगर उसके पास इतनी है भी तो वो कौन सा साथ लेकर जाने वाला है।
तो यानी कि हमें दूसरे लोग जो कि संपत्ति के मालिक हैं उनसे ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं है। हम भी तो पूरे देश में, पूरा देश हमारा है, पूरी पृथ्वी हमारी है, हम पैसा भरो रेल के अंदर या हवाई जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का सफर करके आओ, कौन मना करता है। कहीं भी जाकर बैठो, सुंदर सुंदर नज़ारों को एंजॉय करो, बर्फीले पहाड़ों की चोटियों को महसूस करो, कश्मीर के हरे भरे घास के मैदानों को महसूस करो, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को महसूस करो, कौन मना करता है। सिर्फ आपको पैसा देकर थोड़ा सा वहां तक पहुंचना है और एंजॉय करो। बड़े बड़े जो कीर्ति स्तंभ, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स की बात की जा रही है, जैसे ताजमहल ले लो, स्टेचू ऑफ यूनिटी ले लो, हम कहें कि भाई ऐसी चीज़ें हम अपने घर पे बना लें, ये चीज़ें मेरी नहीं हैं, तो ये चीज़ें हमारी तो नहीं है। लेकिन हमें ये भी तो समझना चाहिए कि हम थोड़े से पैसे खर्च करके वहाँ जाकर उसको देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ पे हमारा हक हो जाए, अगर वो चीज़ हमारी हो जाए, हम उसे अपने साथ ले जाएं, तो क्या हम उसके मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी उठा पाएंगे, क्या उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जब हम उसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी देखभाल ही नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि वो जहाँ है वहीं रहे और हम उसको देखने के लिए थोड़े से पैसे खर्च करके कभी भी आ सकते हैं और उसकी सुंदरता बने रहे, यही सोचकर हमें आगे बढ़ना है। और ये हरे भरे जंगल, वहाँ घूमते पशु पक्षी, ये आकाश, ये समंदर, ये हवा, ये पक्षी, ये सब किसके हैं? ये सब हमारे ही हैं। हमें इनको देखकर एंजॉय करना है। और सिर्फ हमें आवश्यकता है तो सिर्फ दो चीज़ों की, वस्त्र और अन्न, खाना और कपड़ा। और ये दोनों चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है इस धरती पर कमाना, ये हमारे जो कवि हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं इस पाठ के द्वारा। वाल्मीकि, स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या हम इन महापुरुषों को गरीब कह सकते हैं? नहीं, इनके पास आंतरिक सुख था। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है किताब के अंदर लिखा हुआ, जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी जो कि बुनकर थे, उनके पुत्र की अमीरी के बारे में बताया गया। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, असक्ष, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। अब यहाँ पर जॉन की बात की गई जो कि कंगाल, यानी कि उनकी बिल्कुल भी कोई भी क्वालिटी नहीं थी, उनके अनपढ़ थे, ना ही उनके पास आर्थिक कोई सहायता थी। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चुराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। अब यहाँ पर जॉन के बारे में बताया गया, बहुत ही एक मतलब आशक्त, यानी कि बिल्कुल भी वीक, बहुत ही ज़्यादा गरीब, पुअर काइंड ऑफ पर्सन था। वो अपनी गली से गुजरता था तो लोग उसको इवन बच्चे पत्थर तक मार देते थे, चिढ़ाते थे उसको। और उसके मालिक जहाँ पर वो काम करता था वो भी उस पर बहुत अत्याचार करता था। और एक बार जब वो काम पर गया तो उसने एक लड़की वहाँ पर काम करने आती थी जो कि 12 वर्ष की थी, उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। और उसने उसको सिखाना शुरू किया और 16 साल की उम्र में आते आते उसने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, बेसिक चीज़ें सीखी और फिर उसने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई सीखना शुरू किया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी जानकारी थी, वो जंगलों में घूमता रहता था इसलिए जंगल में पैदा होने वाले पेड़ पौधों के बारे में उन्हें बहुत जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का एक गहरा अध्ययन करके इस विषय का पंडित बन गया। अब वनस्पति शास्त्र यानी कि जो हमारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देने वाला जो शास्त्र था, जो बुक थी, उसको उसने खरीदा 5 शिलिंग में। अब 5 शिलिंग ये वहाँ की करेंसी है, जिस भी स्कॉटलैंड की ये कहानी जैसे बताई गई, तो 5 शिलिंग उसको चाहिए थे उस बुक को खरीदने के लिए। अब वो भी उसके पास नहीं थे, उसको उसने बड़ी मेहनत करके, बड़ी जी तोड़ मेहनत करके उसने 5 शिलिंग इकट्ठे किए और उस वनस्पति शास्त्र उस बुक को हासिल किया। और फिर उसको पढ़ के वो वनस्पति शास्त्र का पंडित बन गया, यानी कि उसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया।
अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। वो इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया था कि उसने 80 साल 80 ईयर्स की एज में, यानी कि बिल्कुल बूढ़ा, तब उसे एक पौधा पाने के लिए उसने 12 मील तक पैदल यात्रा तक की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीन शीन पहनावा, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा। अब ये जो व्यक्ति था, ये बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति था। ये वनस्पति शास्त्र का पंडित, यानी कि उसका एक्सपर्ट था, लेकिन बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति था। और एक बार जब एक अमीर आदमी को पता लगा कि ये व्यक्ति जो है ये मतलब वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वो इसके सादेपन, इसकी जीवन पर वो फिदा हो गया और उसने इसके जीवन चरित्र के बारे में अखबार में छपवा दिया। और जब इसके बारे में लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने बड़ी बड़ी रकम, यानी बहुत हाई अमाउंट वाले चेक इनको भेजे, लेकिन इन्होंने इस चेक का, इस पैसे का उपयोग अपने लिए नहीं किया। इन्होंने अपने वसीयतनामे में क्या लिखा वो हम पढ़ते हैं। मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाएं। जॉन की कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। अब इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि जो भी पैसा इनके पास आ रहा है चेकों के द्वारा, वो सब ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए, उनको मतलब सहायता देने के लिए, ताकि वो प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करें, उसकी स्टडी करें विज्ञान की, उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स जो इच्छुक हैं उनको पैसे से हेल्प की जाए, ताकि वो इस फील्ड में और आगे बढ़ सकें। और इवन इनका जो पर्सनल जो लाइब्रेरी थी जहाँ पर इनकी पुस्तकें थी, उसको भी इन्होंने दान में दे दिया, ताकि आम लोग उसको पढ़ सकें, उस पुस्तकालय का इस्तेमाल कर सकें। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव और कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म को लज्जित नहीं किया, द्रव्य के लोभ में अपनी नियत खराब नहीं की है, पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो ऐसे महापुरुष, जैसे हमने जॉन के बारे में पढ़ा, तो ये तो एक हमारे सामने किस्सा आ रहा है, लेकिन भारत जो है वो तो महापुरुषों का देश है, और यहाँ पर ऐसे बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने पद की इच्छा रखते हुए अपनी प्रतिष्ठा से कभी छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी उदारता को अपनाया है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवीय वरदान, इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। सोक्रेट्स के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं जीवन भर। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। तो यहाँ पर उदार मनुष्यता, मनुष्य के अंदर उदारता बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि अगर मनुष्य उदार, यानी कि बहुत ही काइंड है, तो वो देवदूत है, ही इज लाइक अ गॉड। लेकिन अगर वो नीच, यानी कि वो बुरा है, तो ही इज लाइक अ डेविल, शैतान की तरह है। ऐसा ही सोक्रेट्स ने भी लिखा है कि अगर आपको सम्मानपूर्वक तरीके से जीना है तो अपने आप को अंदर से भी वैसा ही बनाइए जैसा आप बाहर से दिखते हैं। यानी कि मनुष्य जो है वो खुद का ही विरोधी है, यानी कि वी आर द ऑपोजिट, वी आर द एनिमीज ऑफ आर सेल्स ओनली। जैसे कि मैं अंदर से दिखाई देता हूँ, बाहर से दिखाई देता हूँ, वैसा ही अगर मैं अंदर से बन जाऊँ, हम लोग जैसा बाहर से दिखना चाहते हैं, जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर हम अंदर से भी वैसे ही हो जाएं, तो मेरे ख्याल से एक मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा। लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण अपने गुणों को भी छलनी करते रहते हैं, यानी कि बुलेट से, यानी कि गोलियों से छलनी करते रहते हैं अपने स्वार्थ के कारण। अगर हम अंदर से भी श्रीमंत, यानी कि एक अच्छे विचारों वाले व्यक्ति बन जाएं, अमीर बन जाएं, तो हमें
एक सच्चे मनुष्य के तौर पे हम दूसरों के सामने भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो इस पाठ में हमें कवि ने, लेखक ने अंदर से भी समृद्ध होने के लिए एक कला, एक गुण दिया है, जो कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा देखा। तो इस तरीके से बाहरी समृद्धि, यानी कि पैसा जो बाहर हमारे पास है, जो लोगों को दिखता है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भीतरी समृद्धि बहुत ही ज़रूरी है। होप यू एन्जॉय द चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।